वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। हेलो रिचा, हाय। मैंने आप तो बिल्कुल माइक पैक लगा के बैठे हैं, मतलब क्या हो रहा है? अभी कुछ शूट वूट चल रही थी क्या? जी नहीं, ये मेरा वो स्ट्रीमिंग का सेटअप है, यूट्यूब ओके, स्ट्रीम का, तो पूरा कंप्लीट है। मुझे लगा कि अंदर जेल में जाने से पहले कुछ कुछ मैसेजेस कुछ पास हो रहे हैं अपने फैंस के लिए। नहीं, उसके लिए मैसेजेस के लिए कीबोर्ड लगता है, माइक नहीं। या सो वी आर रेडी टू गो इन द जेल। यस यस, रेडी। हाँ, मेंटली कितना प्रिपेयर है? मेंटली, या मेंटली प्रिपेयर, तभी हाँ बोला कि जा रहे। मेंटली प्रिपेयर, अभी आगे जाके वहां पे क्या सिचुएशंस होती है, वी डोंट नो आगे क्या हो रहा है, तो टाइम के साथ चीजें चेंज होंगी और देखते हैं कैसे जाता है। बट कैसे हैं आप, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इमोशनल किस तरीके से? मेरे में सारे इमोशंस है, मतलब जितने भी इमोशंस है ना, आई एम लाइक अ टेम्पलेट, तो मेरे अंदर सारे इमोशंस है, तो आपको शायद सारे देखने मिल जाएंगे। बट अगर कभी नॉर्मल बिग बॉस में होता है, अभी यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, बट जब लोग लड़ते हैं या अटैक करते हैं तो आप कैसे लेंगे उसको? मतलब वार पे वार देंगे या फिर अच्छे से उसको कामली हैंडल करेंगे? मैं कामली हैंडल करता हूँ चीजों को, ओके, मारना धारना। आई एम नॉट द वन हु प्रमोट द वायलेंस इस वे में कि झगड़ा हो और किसी को मार दो। दैट्स वेरी इजी थिंग टू डू, आई थिंक। झगड़ा हो और किसी को मार देना, मतलब आपसे कोई ज्यादा पावरफुल है तो वो दो मारेगा, आप उसको एक तो मारोगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू व्हेन यू फाइट विद समवन। तो आई थिंक उस चीज को सही से संभाल लेना, या फिर उस चीज का हिस्सा ही ना बनना, ये तो आई डोंट थिंक आई विल बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। कॉन्सेप्ट कैसे पहुंचा आप तक? ये कॉन्सेप्ट मुझ तक, लो जब ऑल्ट की टीम ने मुझे ये ऑफर किया, तब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली नहीं पता था, ऊपर ऊपर की चीजें थोड़ी पता थी, और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, लेट्स डू दिस, करते हैं। और कंगना के नाम से कुछ डर लग रहा है, क्योंकि कंगना तो आपको पता ही है अपने नहीं, गोल डरना पाने क्यों है? के लिए। नहीं नहीं डरना डरना क्यों है? डरना किसी से भी किसी को नहीं चाहिए, तो नहीं, डर नहीं। ओके, तो किस तरीके का फ्रेम ऑफ माइंड है इस समय? अभी आप बाहर हैं, आपको पूरी दुनिया दिख रही है, आप सोशल नेटवर्क सबके टच में है, बस अंदर जाके बिल्कुल बंद होने वाला है सब कुछ, तो कैसा लगेगा जब सब हाथ से छिन जाएगा और सिर्फ काल कोठरी देखने को मिलने वाली है? क्या काल कोट रही है क्या? पता। तो अच्छा भी सोच लो। तो कुछ एसी होगा, नहीं, कोई अभी बोल नहीं अभी सकता। दुनिया मैं देख पा रहा हूँ, फिर दुनिया मेरे को देख पाएगी, तो ये फर्क आ जाएगा, चीजें छीन जाएगी, तो जो हमारी रेगुलर चीजें होती है वो तो उससे थोड़ा अलग हो जाएंगी, तो देखते हैं उसके बिना भी रह के देख लेंगे। और अपनी कॉमेडी को कितना मिस करेंगे, अपने स्टैंड अप कॉमेडी को कितना मिस करने वाले हैं? स्टेज को मिस करने वाला, स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं, कॉमेडी तो जहां लोग हैं वहां कॉमेडी है, जहाँ सिचुएशंस है वहां पे फन है, तो आई थिंक कॉमेडी और फन को मैं मिस नहीं करूंगा, वो मेरे साथ चलेगा हमेशा, बट स्टेज को मिस करूंगा, तो वो टेम्परेरी है। ओके, एकता कपूर की बात करें, एकता कपूर है, कंगना रनावत है, इतना बोल्ड रियलिटी शो है, तो कभी कभी ऐसा कुछ लगता है कि मतलब सही डिसीजन लिया था या अंदर जाके पता चलने वाला है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया? क्यों, एकता कपूर इज वेरी फेमस फॉर द मतलब बिग एंड बोल्ड थिंग्स, तो कुछ जरूर डिफरेंस हो जाएगा उन्होंने इस फ्रेम। साज भी कभी बहुत ही बोल्ड था क्या? ऑफ कोर्स नॉट। शी इज नॉट ओनली फेमस फॉर बोल्ड थिंग्स, शी इज नॉट फेमस फॉर लाइक मेकिंग सो मच कंटेंट फॉर बोल्ड इन ऑल द दैट जॉनर। या या यार, आप बोल्ड का वही होता है, बोल्ड बोलने का, बोल्ड आई इन मीन दैट बहुत वे। इंटेंस चीजें बनाती हैं, बहुत जैसे बोलते हैं ना, टोटली नहीं, डिफरेंट इंटेंस बात नहीं, फिक्शन बनाते, इंटेंस कहाँ बनाया यार, फिक्शन ही बनाया अभी तक। आप वापिस बोलो, इंटेंस तो कुछ नहीं बना, ये पहली चीज है जो वो इंटेंस बना रहे, तो है। अभी तक फिक्शन ही था, ये पहला रियलिटी शो है, तो आई थिंक या एक्साइटमेंट है और अच्छा होगा, जो होगा देख लेंगे। हर इंसान की खुद की जिम्मेदारी होती है, जो मैं करता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो लगता है समय बदलेगा, उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो कुछ डिफरेंट होगा आपके साथ, थिंग्स विल चेंज।
I don't know. मुझे पहले तो जाना होगा वहां पे, और जाके ही पता चलेगा कि चीजें कैसे वर्क कर रही है मेरे लिए. तो सी दैट क्या मिस करने वाले हैं स्टेज को छोड़ के, किस इंसान को मिस करने वाले हैं सबसे ज्यादा अंदर? खाना मिस करने वाला हूँ सबसे ज्यादा. ओके. खाना बनाने सबसे ज्यादा. बनाने का शौक है आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर बाहर का खाना बहुत पसंद है. पर आप जा भी जेल में रहे तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ मिलने वाला भी नहीं है शायद आपको, इसीलिए खाना मेन थिंग है ना. ओके. तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अब आप वो स्टेज पे आपको मिस करने वाले हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनको वो लोग खुश होंगे कि वो लोग मुझे 24/7 देख सकते हैं. दे विल बी वेरी हैप्पी. तो आई लाइक बस एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट लेते रहो. तो मैं नेवर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए. जेल का पानी पीजिए, जेल का खाना खाइए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय बाय.